सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। आपके भाई एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जैसा कि आप जानते हैं। मैं चाहती हूँ आप एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट करें मेरे भाई का केस लड़ने। सर वो सर कोई भी लॉयर मेरे भाई का केस नहीं ले रहा। देखो ईशा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हारी काबिलियत का कायल हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो। मीडिया ने जिस तरह तुम्हें और तुम्हारे भाई को कवरेज दी है, उसके बाद मुझे ये तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाल दिया गया है। जी, यूनिवर्सिटी की रिपुटेशन की बात। ऐसी लड़की जिसका इतना बड़ा स्कैंडल हो, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि तुमको रिस्टिकेट कर दिया जाए। सर, यूनिवर्सिटीज तो शायद बहुत मिल जाएंगी, पर भाई नहीं मिलेगा। अब मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं खो सकती। मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज। देखो ईशा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें अपनी स्टडीज़ के लिए मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। सर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्ला। ओके बेटा, अपना ख्याल रखो। हाँ, या आई एम फाइन, जस्ट नई बात नहीं, पर मैं तुम्हें मिलती हूँ यूनिवर्सिटी में, सही है? अस्सलाम वालेकुम। ईशा, मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो हर न्यूज़ चैनल पर बताया जा चुका है। मेरे पास मज़ीद और कुछ नहीं है बताने के लिए। आपको अगर मेरे हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। ये सब तो मैं भी जानती हूँ। मैं आपसे पर्सनली मिलना चाह रही थी, आपकी मदद करना चाह रही थी। आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? आपके भाई की रिहाई में आपकी मदद करना चाह रही, इसी सिलसिले में मिलना था आपसे। जी जी जी, मैं आपको पिन लोकेशन सेंड करती हूँ। नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या ये वाकई मेरी मदद करना चाहती है? हेलो ब्यूटीफुल, क्या बात है, कहीं जा रही है? मैं नहीं, हम जा रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। बिजी तो नहीं थी? नॉट रियली। बस चलो, लेट्स गो। अरे बाबा, बताएं तो सही, कहाँ जा रहे हैं? ईशा के घर। कौन ईशा? वो ही न्यूज वाली लड़की। What? उसके घर वाला क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि उसके भाई को कोई वकील नहीं मिल रहा और मैंने उसके लिए वकील ढूंढ लिया।
यही लग रहा है। मां एक बार फिर सोच लो। सोच लें चलें। ओके उनसे तो पूछे मामा। हाँ चलो चले। से मां से चाहती हूं, मेरी वजह से आपके बेटे को गोली लग गई। बस इस चीज की दुआ करें कि सहम गहरा ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह की अमान में। घबराने की कोई बात नहीं है, गोली बाजू छूकर निकल गई है। ये शुक्र है कि गोली ने कोई वैन डैमेज नहीं की। 4-5 स्टिचेस आए हैं। हम थोड़ी देर में पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर लेंगे, तो आप लोग को पेशेंट से मिल सकते हैं। शुक्र। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। तुम दोनों को भेजा था कि जाके डराओ धमकाओ, और तुम दोनों खुद ही डर के वापस भागे। सर गेम तो हमने डाली थी, वो लोग डर भी गए थे। अच्छा, लेकिन अचानक एक लड़का और एक औरत सामने आ गई और गेम हमारे हाथ से निकल गई। न्यू एंट्री कौन था? मालूम नहीं, इलाके का नहीं है, शायद कहीं और से आया था। अच्छा, तो खाली हाथ गए थे, पिस्टल्स नहीं थी, रोका क्यों नहीं? मैंने गोली चलाई थी उस पर। हाँ, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कि गोली उसे छू कर निकल गई। एक ही गोली लेके गए थे, दूसरी गोली क्यों नहीं चलाई? सीधा ठोकते उसके सीने में। इससे पहले कि मैं उस पर दूसरा फायर करता, उसने जवाबन हम पर फायर कर दिया, इसलिए मजबूरन हमें वहां से भागना पड़ा। सुन रहा अकरम? जी भाई सुन रहा हूँ मैं इनकी बातें। अकरम कौन है भाई? इंफॉर्मेशन निकालो। मैं पता लगाता हूँ, आप फिक्र ना करें भाई। और तुम दोनों, बड़ा मूड था मेरा बैटिंग का आज, बच गया। देरे से बाहर कदम मत रखना। जी मालिक। ठीक है, एक मीटिंग होनी है, चलो। अब तो आपके लोग भी डर के भागने लगे हैं। आपने तो कहा था कि ईशा का जीना हराम कर देंगे और उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर अब क्या हुआ सिवाय इसके कि उसका भाई जेल में है?
बहुत परेशान है, तड़प रही है अपने भाई को जेल से छुड़वाने के लिए, दर दर की ठोकरें खा रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसी दौरान एक कॉल पे, मेरी एक कॉल पे उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। भाई को बहुत हल्का लेती हो तुम। भाई मैं चाहती थी कि वो गिड़ गिड़ा के मुझसे माफी मांगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो टीवी पे बैठकर हमारे खिलाफ बातें कर रही है, हमारी इमेज खराब कर रही है सबके सामने, और आपको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। मीडिया ने उसे हीरोइन और हमें विलेन बना दिया है, सबकी सिंपथी उसके साथ है, और आपको अभी भी खुशफहमी हो रही है ना। तो ये जो सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया पे लड़कियां हीरोइन बन जाती, 10-15 दिन में को दूसरी आ जाती, भूल जाएंगे लोग इससे। इसलिए परेशान मत हो, बाजी हम ही जीतेंगे। डोंट वरी, घर जाओ, रेस्ट करो, आता हूं। क्राम, सीरियसली यार, ये लड़का चाहिए मुझे। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम अजनबियों के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। आंटी कैसी बात कर रही हैं आप, इंसानियत भी एक रिश्ता होता है। फिर भी बेटा, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूं। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? I'm better now. मैं तो आपको नहीं जानती थी, लेकिन ईशा ने मुझे बताया था कि आप लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए मैंने ये नहीं सोचा था कि आप लोग ऐसे वक्त में हमारी मदद करेंगे कि हम आपके मकरूस हो जाएंगे। आपके इस एहसान ने तो हमें खरीद लिया। आप क्या कर रही हैं? हमें शर्मिंदा नहीं करें। अगर आप उस वक्त ना आते तो हम तो शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहते। आंटी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैनाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो मैनाल, ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? ईशा तुम्हारी दोस्त है, तुम लोग उसके साथ जो कर रहे हो वो गलत है, और उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं है। उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, और आप कह रही हैं वो मासूम है। आप हमारी तरफ है उसकी तरफ? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा। वैसे आपको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? देखो मैनाल, अगर मैं इजलाल को रोकूंगी तो वो नहीं रुकेंगे। तुम उनकी बहन हो, वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम प्लीज उनको कहो कि ईशा को माफ कर दें और खत्म कर दें ये सब कुछ, वरना मुझे डर है कि ये सब कुछ किसी नई तबाही का सबब ना बन जाए। वैसे आपको किस बात का डर है? अजलाल भाई है ना, वो इस मामले को देख रहे हैं। मेरे बाबा जिंदा हैं, वो संभाल लेंगे सब। आप मुझे ये बुजदिली का सबक मत पढ़ाएं। मैं किसी को बुजदिली का सबक नहीं पढ़ा रही, लेकिन देखो वो तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त है, इतनी अच्छी दोस्त है, तुमने उसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है, प्लीज प्लीज उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शट अप। मेरी इंसल्ट करने वाले की ना मैं जिंदगी तबाह कर दूंगी, और ये सजा तो बहुत छोटी है।
और आइंदा उसकी हिमायती बनकर आने से पहले ना आप सोच लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके हिस्से की सजा आपको मिल जाए। पानी पिला दो, कोई है? पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। कोई है? मेरी आवाज कोई सुन रहा है? पानी पिला दो। आपका बयान लेने आए। पूछिए, क्या पूछना है? पहले अपना तारुफ तो करवा दें। नाम शाहवेज अहमद, पेशे से वकील। वकील? वकील के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पैदा हुआ जो वकील तो शैतान ने कहा कि आज चलो हम भी साहिब औलाद हो गए। लगता है शेर व शायरी में काफी दिलचस्पी है आप जी। अब वो काम कर लो जिसके लिए आप हाजिर हुए। तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप इनके घर पर क्या कर रहे थे और ऐसा क्या हुआ जो आपको गोली लग गई? किसने चलाई थी गोली? मैं और मेरी वालदा इनसे इनके घर पे मिलने गए थे। वहां पहुंचे तो देखा कुछ गुंडे इनको तंग कर रहे। मेरी मुदाखलत पर उन्होंने मुझ पर फायर कर दिया। ओह, मतलब इनके घर में गुंडे थे और आपने सुपर हीरो की तरह एंट्री मारी और गुंडों को भागने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है। नहीं जनाब, मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते जो बन पड़ा वो मैंने किया। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप इन लोगों के घर पे क्या कर रहे थे।
क्या आपकी कोई रिश्तेदारी? नहीं। तो फिर फैमिली फ्रेंड? नहीं। फिर यकीनी तौर पे आपको कोई सीक्रेट एजेंट होगा जिसने आपको ये इत्तला दी कि इनके घर पे गुंडे घुस गए, तो आपने सोचा ये लोग मुसीबत में हैं, क्यों ना मैं जाकर एंट्री मारूं और हीरो बन जाऊं, है ना? मैं और मेरी वालदा इनके घर गए थे उमेर के केस के लिए बात करने। क्या क्या लेना देना है आपको उमेर के केस से? अब उमेर का केस मैं लड़ूंगा। अच्छा, उमेर का केस अब आप लड़ेंगे। वैसे आपके घर में गुंडे घुस आए थे, तोड़फोड़ की, आप जानती हैं कौन थे? नहीं, गुंडे हमारे घर में घुस आए, हमारे घर में तोड़फोड़ की, हमें डराया और हमें धमकाने लगे कि वो उमेर को कभी भी बाहर नहीं निकलने देंगे। फिलहाल तो हमने आपका बयान ले लिया है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर होंगे। जरूर, और मुझे यकीन है कि उन गुंडों को आप ढूंढ निकालेंगे। लोगों ने हमारी मदद करके बहुत एहसान किया। आप ऐसे ना कहें, हम आपकी मदद के लिए आपके घर आ रहे थे। मैंने शावेद से कहा था कि उमेर का केस लें, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आप लोग इतनी मुसीबत में हैं। हम बस वही समझ रहे थे जो टीवी हमें दिखा रहा था, लेकिन हकीकत बहुत तल्ख है, आप लोग वाकई बहुत मुसीबत में हैं। इस चीज का अंदाजा मुझे आप लोगों से मिलने के बाद हो रहा है। पता नहीं हमारी ये आजमाइश कब खत्म होगी। मायूस ना हो, उमेर का केस कोई भी वकील लेने को तैयार नहीं, पुलिस वाले हमें उमेर से मिलने नहीं दे रहे थे। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। परेशान ना हो, शावेज ने ये केस ले लिया है, इंशाल्लाह आप अपने बेटे से मिल सकेंगी और हम बहुत जल्द उसको बाजियाब भी करा लेंगे, इंशाल्लाह। अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। बेटा, मैं आपको वाज़ेह अल्फाज़ में बता चुका हूँ, मैं ये केस नहीं ले सकता। अच्छा, आप ये केस नहीं ले सकते, लेकिन मुझे किसी और वकील का तो बता सकते हैं जो ये केस ले सके? बेटा, बहुत मुश्किल है,
इस तरह तो मैं कभी रहा होगा ही नहीं। हाँ शायद मलिका जलाल अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। बेटा मेरा मशवरा है कि तुम भी वापस चले जाओ। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं उमेर को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। मैंने मम्मा को भी यही कहा है। तुम्हारी इस फजूल की जिद ने तुम अपने आप को मुसीबत में डाल ली हो। आप ये केस नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ी हेल्प तो कर सकते हैं। अब कौन सी हेल्प चाहिए? अंकल मुझे मुझे उमेर से मिलना है। मुझे उमेर से मिलवाने का कोई बंदोबस्त करवा दें। बेटा शायद मैं तुम्हारी सिलसिले में कोई हेल्प कर सकूं। अंकल मुझे उमेर से लाजमी मिलना है। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें उससे मिलवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। हेलो, ये सब क्या चल रहा है टीवी पर? क्या चल रहा है? तुम लोग ईशा के साथ ये सब सलूक कर रहे हो? नहीं इजमीर, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया में सब झूठ बोल रहे हैं। मिनाल तुम अब मजीद झूठ नहीं बोल सकती, सब कुछ टीवी पर है, सब कुछ सबके सामने है। देखो इजमीर, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, सिवाय इसके कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो तुमने ये सब कुछ ईशा से इंतकाम लेने के लिए किया? ये हमारे बीच ईशा कहाँ से आ गई? खैर तुम छोड़ो ना इन बातों को, हम कहीं मिलने का प्लान करते हैं ना। मिनाल मुझे हैरत हो रही है तुम्हारा ये रूप देखकर। मेरे रिजेक्ट करने पर तुम ईशा से इंतकाम लोगी? ये क्या रिजेक्शन लगा रखी है तुमने? और तुम होते कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों उसको दुनिया के सामने तमाशा बनाकर रख दिया? मेरी खुशियों के राह में जो आएगा ना उसके साथ ऐसा ही होगा। बहुत कमजोर हो तुम, दोस्त होकर तुमने ईशा के साथ ये सब कुछ किया। मगर अब तुम ईशा को अकेला मत समझना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी? लगता है तुमने ईशा को देखकर ना सबक हासिल नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ भी वो ही करना पड़े। क्या करोगी तुम? तुमने जो करना ना तुम कर लो। अगर तुमने ईशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसका तो तुम बहुत बुरा अंजाम भुगतोगे। जिंदा नहीं रहना चाहते हो क्या? तुम गए इजमीर, तुम गए। बंदा कोई चाय पानी पूछ लेता है, हैं? आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहा। अम्मी, अबू, छोड़ो इनको, क्यों पकड़ा हुआ? अरे बाप यार, मैं तो समझ रहा था कि तुम थोड़ा रेजिस्ट वगैरह करोगे, लेकिन तुम तो पहले ही कदमों में आगे गिर गए। भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी है मेरे बेटे से? और मुझसे क्या पूछे बुजुर्गो, अपने बेटे से पूछिए, बताना भाई अपने बाप को। आप जिस मकसद से यहाँ आया ना वो कभी पूरा नहीं होगा। अपने इन मुलाजमों को ले और निकले यहां से। तुझे क्या लगता है? क्या लगता है तुझे? मैं मकसद पूरा किए बगैर यहां से जाऊंगा? हाँ, ये लगता है तुझे? माफ कर रहा है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी का आगाज तो उसी वक्त हो गया था इसमें, जब तूने मेरी बहन को छोड़ के उस ईशा को पसंद किया। ये मेरा जाती मसला है, मैं किसको पसंद करता हूँ किसको नहीं पसंद करता। बे ओ, जाती मसला नहीं है अब, ये मेरा मसला है। अच्छा चल, दो ऑप्शन। एक, या तो मेरी बहन से शादी कर ले, बच जाएगा। दूसरा, मुल्क छोड़ के चला जा, माफ कर दूंगा। नहीं तो क्या करोगे? मारोगे? मारो, मारो। मारूंगा नहीं,
तड़पाऊंगा। सिसक सिसक के मरेगा तू पे, देखना चाहता है? मेरी बच्ची को रुक, छोड़ दो प्लीज। देख जान की जरा सी तकलीफ ने कैसा बेकरार किया तुझे। सोच कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे पीछे इन सब का क्या होगा? थिंक अबाउट इट। ये कुछ नहीं करेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं आपकी बात पर कैसे यकीन करूं? मैं आपको जबान देता हूं, ये मुल्क छोड़ के बहुत जल्द चला जाएगा, ये आपके रास्ते में आपको दिखाई नहीं देगा। ओ अंकल जी, मैंने आपकी जबान का अचार डालना है? हाँ बेटे के मुंह से बुलवाए ना, फिर मानू मैं। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? तुम मुल्क छोड़ के जा रहे हो, बोलो बेटा। बोलते क्यों नहीं हो? सॉरी सॉरी जनाब, बड़े ही अफसोस है, आपकी औलाद तो आपके कंट्रोल में ही नहीं। वेरी सैड। अब देखें मैं बताता हूँ कंट्रोल में कैसे आते हैं बच्चे। जा भाई। आप जो कह रहे हैं मेरी बात को छोड़ दो, मैं आप जो कहेंगे मैं करूंगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? जो कहेंगे मैं करूंगा, मेरी बहन को छोड़ दो छोड़ दे। इसके बाद नो वार्निंग, सिर्फ एक्शन। ओके चलो। बस माँ नहीं अच्छा। माँ से पी लो बेटा। आपको काउंटर्स में बुलाओ। अच्छा मैं आती हूँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ जी चले आइए। जब ये ट्रिप खत्म हो जाए तो मुझे बुला। जी जी जनाब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। जी क्वाइट बेटर। इन्होंने मेडिसिन ले ली थी? जी जी इन्होंने दवाई ले ली थी। कौन कौन सी मेडिसिन ली है? वो पहले उन्होंने न्यूप्रोल फोर्ट ली, दो घंटे के बाद कैफ्लाम ले लेंगे। गुड, आप अपने हस्बैंड को यही मेडिसिन देती रहें। ये घर जाने की जिद कर रहे थे। वैसे तो हम अपने पेशेंट को इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर ये घर जाना चाहते हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन आपको घर जाकर भी इनका बहुत ख्याल रखना होगा, स्पेशली इनके बाजू का, ये ज़्यादा मूव ना करें। ठीक है? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आई एम सॉरी, लगता है डॉक्टर साहब को कोई कंफ्यूजन हो गई थी।